हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। और आज हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। और हम लोग का चैप्टर जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नाउ द व्हाट इज स्टेम। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट डिवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। तो जैसा आपको पता है कि जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि रेडिकल से जो ग्रो करता है दैट इज़ रूट एंड दैट इज़ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल से ग्रो करता है स्टेम या शूट जिसको बोलते हैं, दैट इज़ द असेंडिंग पार्ट। और असेंडिंग पार्ट बियर करता है लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। जब स्टेम को जब हम लोग देखेंगे तो दैट बियर्स नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो व्हाट आर नोड्स। नोड्स आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर लीव्स डिवलप ऑन द स्टेम। स्टेम पे वो पॉइंट्स जहाँ से लीव डिवलप करते हैं दैट इज कॉल्ड एज नोड्स। एंड दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटर नोड्स। स्टेम आर जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर दे बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। तो जब स्टेम ग्रीन होते हैं जनरली एट दैट टाइम दे sometimes perform photosynthesis also, and later on when they become woody and dark brown they become supportive in nature for the leaves, flowers and fruits. इसके साथ साथ स्टेम पे हमको बर्ड देखने को मिलता है। तो what is bird? Bird is compact underdeveloped young shoot which consists of shoot apex, compressed axis and number of primordial leaves. अगर बर्ड की बात करेंगे तो बर्ड जो हैं वो दो तरह के होते हैं। वेजिटेटिव बर्ड होते हैं दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द लीव्स, और एक होते हैं फ्लोरल बर्ड दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर। तो ये तो होते हैं स्टेम पे। एक और तरह का बर्ड होता है दैट इज एपिफाइलस बर्ड। वो डेवलप होता है लीफ पर, on the margin of the leaf. When the bird develop on the margin of leaf, that leaf is called as epiphyllous bird. और इसका best example है bryophyllum. Bryophyllum के leaf पर, leaf के margin पर ढेर सारे birds develop करते हैं and that bird is called as epiphyllous bird. Now function of stem. The main function of stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits. It conducts water, mineral and photosynthesis. तो जैसा अभी आपको हमने बताया कि जब स्टेम ग्रीन कलर का होता है एट दैट टाइम इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, ये उसका एक फंक्शन है। और जो मेन फंक्शन है इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉयल, और वो ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर, और फिर स्टेम इस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में। सम स्टेम्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो इट इज़ इन योर नॉलेज कि इफ़ आइदर रूट और स्टेम performs some other function than its main function then it is called as its modification. तो अगर stem भी कोई ऐसा function करता है जो उसके main function से हट के है तो that is called as modified stem. तो जब stem food store करेगा या protection के लिए modified हो जाएगा या vegetative propagation के लिए modified हो जाएगा that is called as modified stem. तो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। पहला है
अंडरग्राउंड स्टेम क्या क्या मॉडिफाइड होते हैं? तो अंडरग्राउंड स्टेम है, पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, जमीन खंड है, कलपोशिया है, ये सभी मॉडिफाइड होते हैं टू स्टोर फूड इन डैम। नाउ नेक्स्ट इज द अबव मॉडिफाइड स्टेम ऑल्सो वर्क्स एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम का नाम हमने लिया, दैट इज पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन खंड, कलकोशिया, ये सभी ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह काम करते हैं। मीन्स जो अनफेवरेबल कंडीशन है, जब इनका ग्रोथ नहीं हो सकता है तो ये ऐसे रहते हैं, जैसे ही ग्रोथ का फेवरेबल कंडीशन आता है तो उसमें से नए नए बड ग्रो करते हैं, जिसके हेल्प से हम इन प्लांट्स को फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो दैट इज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। नेक्स्ट इज स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड एंड आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड, विच हेल्प्स द प्लांट टू क्लाइंब अप सच एज कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइंस। तो जो भी प्लांट्स जिनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं, जो क्लाइंब अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन सपोर्ट, तो सपोर्ट पे अपने आप को बांध के रखने के लिए उनके पास एक ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेम टेंड्रिल। तो ये स्टेम टेंड्रिल भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, जिससे कि वो अपने आप को सपोर्ट में कॉइल अप कर लेते हैं और ऊपर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और एग्जांपल है जितने भी क्लाइंबर्स हैं। एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। जो हम कांटे देखते हैं, कुछ प्लांट्स में कांटे होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट लाइक बोगनवेलिया, विच हेल्प देम फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। तो ये कांटे क्या हेल्प करते हैं प्लांट्स का, जब कांटे प्रेजेंट होते हैं तो जो भी ब्राउजिंग एनिमल्स हैं, जो उनके पत्तों को खा जाते हैं, जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, उन सबसे इन वेजिटेशंस को बचाते हैं। तो दिस हाउ द थॉर्न्स हेल्प द प्लांट्स एंड थॉर्न्स आर ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। इन सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन स्टेम गेट फ्लैटेंड एंड बिकम फ्लैशी इन स्ट्रक्चर। दिस मॉडिफाइड स्टेम ऑल्सो कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरी फोटोसिंथेसिस। कुछ प्लांट्स में जो एरिड रीजन में मिलते हैं, उनके स्टेम फ्लैट हो जाते हैं और फ्लैशी हो जाते हैं, और उनमें फिर क्लोरोफिल कंटेंट होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ऐसे लीव्स को हम लोग बोलते हैं फाइलोक्लेड। और एग्जांपल है ओपंचिया, द बेस्ट एग्जांपल। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू हैबिटेट एंड व्हेन ओल्ड पार्ट डाइज द न्यू प्लांट आर फॉर्म। तो दिस हाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी अंडरग्राउंड स्टेम हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इन मिंट एंड जैस्मीन द लेटरल ब्रांचेज हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट। तो यहाँ भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प कर रहा है स्टेम, तो दैट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेम। Thanks a lot for watching the video and please subscribe my channel. Thanks a lot.